हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अच्छा भाजी, शादियों में खाना बड़ा वेस्ट होता है, पर हमारा सौभाग्य कि हमारी शादी में हमने एक एनजीओ ने कांटेक्ट किया फीडिंग इंडिया करके, तो वो लोग क्या करते हैं जितना भी शादियों में खाना बच जाता है वो खाना जो है इकट्ठा करके वो गरीबों में बांटते हैं। तो हमें बड़ा अच्छा लगा उनका काम देख के और हमने दिल से उन्हें अप्रिशिएट भी किया। और आप लोग भी कुछ ऐसा ज़रूर करें कि जब भी आपके घर में कोई खुशी है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए वेस्ट हो जाती हैं लेकिन किसी के लिए वो बहुत ही ज़रूरत की चीज़ें हो सकती हैं, तो ऐसा ज़रूर करें आप जितना हो सकता है। भाजी, कुछ लोग मध्य प्रदेश से आए हैं, कुछ लोग गुजरात से आए हैं, बहुत सारी स्टेट से लोग आए। हर एक की शादियों में अपने अपने तरह के रीति रिवाज होते हैं, अपने अपने तरफ की प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं ऐसे चाह रहा हूँ कि चलो बात मुद्दा छिड़ा है तो आप लोग भी अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। कोई है मेरे दोस्त कोई? जी भाई साहब, आज दिसंबर में पूरी टी शर्ट पहन के घूम रहा है। तेरे ये क्या बनवाया बाजू पे, क्या बनवाया हुआ है? हाँ जी, हनुमान जी का मूर्ति बना रहा। अच्छा, मूर्ति नहीं, टैटू। टैटू बना। मेरा एक दोस्त था बचपन में ना, उसने ऐसे छोटा सांप बनवाया था। हाँ सर। तो बड़ा हुआ तो सांप बड़ा ही नहीं हुआ, वो उतने रहे। ये छोटे वाले टैटू के साथ प्रॉब्लम है, बड़े वाले की मैंने आपको बताई है पाजी। बड़ा अजगर बनाओ ना, जब बॉडी बिल्डर जो होते हैं इतना डौला, इधर ऐसे पूरा ड्रैगन बना लेते हैं, तो जब जिम जाना छोड़ देते ना तो वो ड्रैगन की ना वो सुंडी बन जाती है। तो जो ड्रैगन यहाँ पे बना होता है ना, फिर ड्रैगन धीरे धीरे आपके बगल में आ जाता है और फिर पसीने की बदबू से बाकी का भी मर जाता है। अच्छा, मुद्दा क्या था आपका, क्या हुआ? हमारे दोस्त के भाई की शादी थी और हम वहाँ पे गए हुए थे और हम लोग खूब डीजे पर डांस कर रहे थे, खूब एंजॉय कर रहे थे। उसी बीच जो हमारे दोस्त का भाई था वो घोड़े पे बैठा था और किसी बच्चे ने घोड़े के पीछे जाकर एक पड़ागा फोड़ दिया। पड़ागा फोड़ दिया? पड़ागा फोड़ दिया उसके पिछवाड़े। वो फिर किसी बच्चे ने जाकर घोड़े के पीछे पटाखा फोड़ दिया और घोड़ा दूल्हे को लेकर चला गया। फिर इसके बाद खोजते खोजते पता चला एक झाड़ी में मिला, किसी तरह हम लोग लेके रहे। क्या कर रहे हैं शादी? पर ये पता क्या, अब तो हम लोग हंस रहे भाजी। मेरा भी एक दोस्त है, उसकी शादी हो रही थी तो उसने 500 रुपए के बम लिए पटाखे, बोलता इधर नहीं फोड़ने लड़की वालों घर के सामने, उनको पता चला कि हमारी हाईफाई बढ़ाता है। पाजी वहां पे जाके ना सेहरा बांधा हुआ और शरारती पूरा, तो जैसे ही पैलेस के बाहर पहुंचे ना तो सेहरा उठा के बोलता शुरू हो जाओ। पाजी ने बड़ा वाला नार चला दिया पटाखा और ऊपर पेड़ था, वो घोड़ी ने ऐसे टांगे उठाई टप, पगड़ी उसकी आंखों पे आ गई बाद में ना इधर, उसको फिर दिखाई नहीं दे रहा था कहां कौन है, खुद नीचे गिरा, घोड़ी भाग गई। और अब हम लोग ये बातें सोच के हंस रहे हैं, लेकिन कितना कितनी बुरी बात है। इस चीज का भी ध्यान रखा करें कि आप शादी करने जा रहे हैं, किसी जानवर को बेचारे को कष्ट पहुंचा के जा रहे हो, बद्दुआ निकलेगी क्या फायदा, बीवी फिर ऐसी मिलेगी आपको। फिर इससे अच्छा भाई जानवरों का भी ख्याल रखो, तो पटाखा नहीं फोड़ना आगे से। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा तू, लवली। और कोई मेरे दोस्त अपना किस्सा शेयर करना चाहते हो? जी भाई साहब, ये आप सबसे पहले ये बताइए कहाँ से आए आप? सर मैं उड़ीसा से आया हूँ, मैं यही रहता हूँ 3 साल से। यही कहाँ? इधर सीढ़ियों पे। पिछले साल की बात है, मेरे एक दोस्त की शादी थी तो हम 5-6 दोस्तों ने मिलके फैसला किया कि हम सेम टाइप की पजामा और कुर्ता पहनेंगे। हमने खरीद लिया, वहाँ पहुँचे, जब मैंने खोला तो देखा मेरे पजामे में नाड़ा ही नहीं है। आपका नाड़ा किधर गया? पता नहीं, उसे दिया ही नहीं था जिससे मैंने लिया था। अच्छा, तो फिर? तो अब मैंने देखा ऐसे पकड़ के कैसे? तो मैंने वही किया, वहाँ पे एक नाल रखा हुआ था जो हाथ पे बांधते हैं। अच्छा, वो जो हाँ लाल रंग लाल कलर का होता है, तो मैंने वो लिया, पूरे पजामे में बांधे, पता वो इतना ढीला था कि बार बार पजामा नीचे जा रहा था। पूरी शादी में मैं ऐसे ही घूम रहा था, ना मैं नाच पाया ना मैं खा पाया ढंग से। क्या हाथ छोड़ के नाचते ना तो आपका क्लीवेज दिखता पीछे। सर मैं और मेरी वाइफ भी आई है, हम दोनों आपके बहुत बड़े फैन हैं। कैसे हैं आप? आपकी लव मैरिज हुई है? हाँ जी सर। अच्छा, कहाँ से, मतलब आप कहाँ से बताया था? उड़ीसा से। और आप भी उड़ीसा से ही हैं? हम लोग स्कूल फ्रेंड्स थे। अच्छा, मुझे जानना है जो बचपन के फ्रेंड्स होते हैं उनको कब जाके रियलाइज होता है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं? सर ये एक्चुअली हम लोग स्कूल कॉलेज सब क्रॉस कर चुके थे, हम लोग गेट टुगेदर पे मिले थे। नहीं, कॉलेज तो क्रॉस कर, लिमिट कब क्रॉस की? मतलब प्यार
मेरा मतलब है ये कब पता चला आपको कि हमें एक दूसरे से शादी करनी है? पहले फ्रेंड्स थे, तब शादी की उम्र हो गई तो अब लगा कोई तो चाहिए। तो मतलब कोई भी। और बॉन्डिंग अच्छी थी तो हो गई शादी। चलिए बहुत बहुत मुबारक हो आपकी शादी की, आप खुश रहिए, बहुत प्यारे लग रहे हैं आप दोनों साथ में। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत ही बिजी शेड्यूल में से, क्योंकि इनकी भारत फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो हम लोगों ने इनको रिक्वेस्ट किया और बहुत ही बिजी शेड्यूल में से आप वक्त निकाल के आए। थैंक यू सो मच सलमान भाई। शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू। और आप जब भी आते हैं सलमान भाई, हमें तो मज़ा आता ही है क्योंकि आपको देखने के लिए ना, नॉर्मली हमारे ऑडियंस में जो रहती हैं बहुत सारी फैमिलीज आती हैं, बच्चे आते हैं, सीनियर सिटीजन आते हैं, लड़कियाँ आती हैं। आपके टाइम पर रेशियो ज़्यादा हो जाती है लड़कियों की, उससे क्या होता है कि पाजी भी बड़ा खुश रहते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर, मैंने कहा मैं खुश रहता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि सारे पाजी बड़े खुश रहते हैं और सिद्धू भाई तो बहुत ही खुश रहते हैं क्योंकि लड़कियां आपको देख रही हैं, सिद्धू भाई उनको देख रहे हैं, मैं माहौल देख रहा हूँ, देखा देखी मैं शो बन रहा हूँ। बड़ा शरारती हो गया तू भाई। ये लड़कियां कुछ पूछ रही थी सलमान भाई, कहती थी कि सलमान सर आए तो उनसे पूछना कि आजकल सिंगल हो के एंगेज हो? एंगेज पास्ट टेंस में आता है। एंगेजिंग हूँ, एंगेजिंग। प्रोसेस जारी है। जारी है, जारी है, माशाल्लाह जारी रहे हमेशा। जारी रहे, जारी नहीं रहे बस। सलमान भाई एक चीज, बहुत बार मुलाकात हुई लेकिन हमेशा एक चीज पूछते पूछते रह गए, शायद कभी दिमाग में नहीं आई कि आप सारी दुनिया को एंटरटेन करते हो, तो जब आप रात को सोते हो तो सोने से आधा घंटा पहले जो नींद नहीं आती ना, जो आदमी करवटें लेता है कभी इधर कभी तकिया घुटनों के नीचे, वो आधा घंटा सलमान भाई आप क्या सोचते हो वो जानना चाहते हैं लोग। मतलब कि फिल्मों के बारे में, फैमिली के बारे में, लाइफ के बारे में, वही सोचते सोचते नींद नहीं आती और सुबह हो जाती है। तो मतलब आपके साथ भी ऐसा होता है, सोच सोच के नींद नहीं आती? जी जी जी। पर ऐसा क्या सोचते सलमान भाई आपको नींद नहीं आती? सोते एक तस्वीर ले लिया, ट्विटर पे डाल दिया। अच्छा। अब ये बहुत बहुत टाइम की बात है और अभी वो तस्वीर कहीं बाहर आ गई थी, ट्विटर पे डाला था, तो बोला यार ये किसको मैंने तस्वीर भेजी और ये बाहर कैसे आ गई? फैंस को गुड नाइट विश किया मैंने। अच्छा, गुड नाइट। तो अभी सूट पहन के तो आदमी सोता नहीं है जी। हाँ, अच्छा। तो बैच चेस्टर था तो इसे लेके मैंने डाल दिया। तो भाई ये आजकल ना ट्विटर विटर पे भी मुझे तो बड़ी परेशानियों का सामना खैर करना पड़ा पास्ट में, तो सलमान भाई इसके बारे में कुछ मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ। एक तो है बड़ी सारी ट्विटर पे ना लोग क्या करते हैं, कोई मुद्दा चला ट्विटर पे, किसी ने कुछ डाला और नीचे किसी ने फेवर में कुछ लिखा, सपोज कोई भी, चाहे कोई पॉलिटिकल बात हो या मतलब मतलब कोई भी मुद्दा हो तो नीचे कुछ लोग उसके फेवर में लिखते हैं, कुछ अगेंस्ट लिखते हैं, बाद में धीरे धीरे करके ना आठवें दसवें मैसेज तक आपस में लड़ने लगते हैं वो लोग। उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि कितने मिलियन लोग तो आपके चक्कर में ट्विटर ज्वाइन करके बैठे हैं? देखिए ये बड़ा ट्रिकी है, अगर बोलने के ट्विटर छोड़ दो जी, जो 90 मिलियन फॉलोअर्स हैं वो छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि बात मानते हैं, बात मानते हैं। क्योंकि एक बार एक फिल्म आई थी शाहरुख की और मेरी, डॉन और जाने मन, तो मैंने उनसे कहा कि जाके पहले डॉन देखो, उन्होंने देखी डॉन। अरे सलमान भाई एक और सवाल आपसे पूछना था, शादियों का सीजन चल रहा है, दीपिका की शादी हुई है अभी हाल ही में, अफसोस की बात है। तो बहुत ही अफसोस की बात है। तो तू कब गाना गाएगा, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए? प्रियंका की हो गई, अफसोस की बात है। तो सलमान भाई जैसे दीपिका की शादी हो गई, प्रियंका की हो गई, मैं ये भारत फिल्म में आपका क्या रोल है? नहीं वैसे भाई जोक से बात, भारत फिल्म में भी शादी नहीं होती टिल द टाइम आई एम 72। अच्छा, तो उसी को फॉलो कर रहा हूं मैं अभी। तो वो तो भाई स्क्रिप्ट अब बनी ना, उससे पहले किसको फॉलो कर रहे थे? बहुत टाइम पहले संजू बाबा, संजय दत्त मुझसे कन्विंस कर रहे थे कि यू शुड गेट मैरिड भाईजान, यू नो यू शुड गेट मैरिड ब्रो। अच्छा। तो हम लोग वैन में बैठे थे वहाँ पर और फोन की घंटी बज रही थी वहाँ पर, यू नो भाईजान यू कम फ्रॉम शूटिंग टायर्ड, योर वाइफ इज देयर, शी विल गिव यू वाटर, यू नो शी विल प्रेस योर हेड, यू नो योर वाइफ इज देयर, यू नो हैव अ ड्रिंक, यू नो आराम से।
It is the most amazing feeling, bhaijaan. This shaadi na is like the best thing. You are so mentally, you know, relaxed. Bhaijaan, one second. मेरी शादी वाली बात की रिपीट वैल्यू है जी। उन्होंने पूछा था शादी के बारे में क्या विचार है, मैंने कहा हरी मिर्च की आइसक्रीम है, चूस चूस के खानी है। पर आपका तो शादीशुदा होकर बैचलर वाला सीन है भाजी, आपको आप मैं रोज टीवी पे देखता हूँ, कभी राजस्थान कभी मध्य प्रदेश, और मैं तो शुक्र करता हूँ ऊपर वाले का कि शो शुरू हो गया, इधर आते रहते, नहीं तो पाकिस्तान निकल जाते। भाई ये आपसे कुछ बातें करने जाते हैं हमारे दोस्त जी, कौन कौन कुछ पूछना चाहता है जी, इनको माइक दे दीजिए, सवाल पूछना है तो खाया पिया कर कुछ। गुड इवनिंग टू ऑल, माई सेल्फ मनप्रीत आनंद जी। मनप्रीत, सलमान सर से जानना चाहूँगा, सलमान सर एक आम इंसान के लाइफ में जितनी भी खुशियाँ होती है, जो भी सर उनकी खुशी के जो भी सोर्स होते हैं, वो सब आपके पास है, गाड़ी है, पैसे हैं, बंगला है, और सर आपको इतने प्यार करने वाले, इतनी खूबसूरत फैमिली है, सर कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि कुछ अभी अभी भी कुछ छूट रहा है, अभी भी कुछ ऐसी चीज है जिसे मुझे पाना है अभी भी? अभी तो लाइफ स्टार्ट हुई है, अभी तो बहुत कुछ कर। अभी ये शो से स्टार्ट किया हमने टीवी में, तो एसके टीवी इज प्रोड्यूसिंग दिस शो। थैंक यू। और कोई, कहां से आई आप? सर बेसिकली आई एम फ्रॉम लखनऊ उत्तर प्रदेश, आई एम इन मुंबई फॉर माय स्टडीज, आई एम परस्यूइंग लॉ। एंड इट्स अ हिंदी शो, लॉ कर रही हैं आप? वेलकम जी सर, थैंक यू सर। लॉ कर रही हैं आप? हाँ जी सर। सुनो मैं, आपको बड़ी जरूरत है। जी मेरा क्वेश्चन सलमान सर से है। सर जैसे आप अभी बहुत मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल मूवीज़ बना रहे हो, एंड पहले जो आप मूवीज़ बनाते थे बहुत रोमांटिक मूवीज़ एंड प्यार भरे मूवीज़ बनाते थे, तो सर क्वेश्चन इज़ लाइक क्या आपका प्यार से विश्वास उठ गया है? क्या बात है, गुड वन। If it's so, sir, तो मैं आपके साथ एक रोमांटिक डांस करना चाहती हूँ रोमांटिक सॉन्ग पे, ताकि वो विश्वास वापस आ जाए। भाई ये मुझे ना बेस्ट क्वेश्चन लगा, और इतनी क्यूट लॉयर, ये तो जब सोचो जब लॉयर बन जाएंगी प्रॉपर अदालत में कितना अच्छा लगेगा। सर मेरे वकील ने कत्ल नहीं किया है, नहीं किया तो नहीं किया है, आप कुछ भी कह लो। बड़ी आप क्यूट है, आप बड़ा अच्छा बोलती हैं आप। थैंक यू सो मच सर। हां बाकी सब बात आप सलमान भाई से पूछ लीजिए। आई कांट प्लीज कम। थैंक यू जी। ओके लास्ट क्वेश्चन। हेलो सलमान सर, हेलो अरबाज सर, हेलो सोहेल सर, हेलो सिद्धू सर, हेलो कपिल सर, मेरा नाम घनश्याम है। घनश्याम है तो इतनी अकड़ क्यों है? घनश्याम सर, मैं जानना चाहता हूँ कि सर आप फिट हो, साथ में आप इतने इंस्पायर करते हो लोगों को, तो आप तीनों में से सबसे ज्यादा दम किसके पास है सर? उसके लिए सर मैंने एक रिक्वेस्ट की है कपिल सर के टीम से, एक मशीन मंगवाई है मैंने सर। है? कौन सी मशीन? हैमर मशीन है सर। मशीन आ जाएगी, हैमर है हमारे पास। सबसे पहले इसको ट्राई करवाओ। मंगाओ मशीन, कहाँ है? चल भाई आप ट्राई करो सर। मैं क्यों एक्सपोज होने लगा अभी? चलो ये इसमें सिर्फ हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कौन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है कि नहीं। अरबाज भाई अभी आपकी बारी, 516 है। मेरी बारी है, रेडी? गुड, आप हाँ गॉन इज गॉन। चार सौ दो।
एक मिनट। आपने कहा था सलमान भाई, अरबाज भाई और सहेल भाई, मेरा क्यों बीच में फालतू भी? सब लोग चाहते हैं आप एक बार आ जा, तू आके मार ले भाई। आ जाओ, आप आओ इधर। चल तू हम सबके आगे मार। नहीं सर उतना तो नहीं, मारते मारते ना मर जाना। सब टाइमिंग है, टाइमिंग। अरे बात सुनो, आप अपना बम उधर रह गए। चलो हटो पहले, साइड साइड से हटो, फेंक दो क्या इधर उधर। थैंक यू ब्रदर। अरे रेडी, इसके सर पे अरे इधर आ बे, ऐसे कैसे काम करवाता है हमारे सेलिब्रिटीज से, ऐसे कैसे काम करवाता है? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.